क्या करा जाए, गाड़ी कोई आएगी नहीं, फोन चल नहीं रहे हैं। वही चलते हैं, वही तो अपने लेने आएंगे ना। फिर से री अटेम्प्ट किया है बाइक बीच में छोड़ने के बाद में। रोड इस टाइम और गंदी हो चुकी है, बर्फ़ पूरे ट्रैक पे है और यहाँ से सचपास मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर होना चाहिए। वैसे तो ऑलरेडी सचपास में चल रहा हूँ मैं, मंदिर की बात है, बट इस टाइम फॉग पूरे में आ चुकी है। सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात वो है, शिव जी प्लीज़ मदद करो, धूप लाओ, बिकॉज ऐसे चढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और बाकी ये और साथ के राइडर्स आए हैं जो आज नीचे से चलना चालू किया है, लकीली ये लोग यहाँ तक पहुँच गए, कल हम यहाँ तक नहीं पहुँचे थे। चलिए चलते हैं, फिर पीछे बाइक छोड़ दी है, 800-900 मीटर दूर है। जो 6 बाइकर साथ में थे वो वापस लौट गए। पानी हमारा ख़त्म हो चुका है, तो एक ये सहारा है, इसी को खा के प्यास बुझा रहे हैं। नो डाउट करने के लिए तो आप कर सकते हैं सचपास, बट बर्फ नहीं होनी चाहिए, बारिश में थोड़ी स्लिपरी होती है, निकल जाएगी, बर्फ थोड़ा सा रिस्की है। ओह वो जो 6 बंदे थे कल जो यहाँ फंसे थे, 2 गाड़ियाँ उनकी नीचे खड़ी दिखी हैं, शायद 4 आ गए हैं, एक कंटेनर में गए सारे। अब आई डोंट नो आगे का उनका प्लान क्या है, वैसे तो बता रहे थे हम किलर चले जाएंगे, बट मुझे लग नहीं रहा। और रोड देखिए आप, ये जगह नो डाउट घूमने पर्पज से तो बहुत अच्छी है, बट बाइकिंग के लिए नहीं। आई थिंक मैं 1 किलोमीटर दूर हूँ मंदिर से, पुनीत का कहना है दूर है, अभी तक फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है कि हम लोग पैदल जा रहे हैं या वापस जा रहे हैं, बट एनी हाउ यहाँ तक बाइक ऊपर लेके आना थोड़ा सा रिस्की है। पूरी वैली आप देख सकते हैं, जो पहले बादल थे वो भी धूप थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, पूरी सिर्फ बर्फ़ में ढकी हुई है। और ये जो रोडे हैं, जो रोड है वो भी आप देखिए पूरी बर्फ़ में ढकी है आगे तक, ये पूरी जो लाइन ऐसे रोड जा रही है यही पूरी आगे मंदिर में मिलेगी। और सचपास का मंदिर वहीं से ही, वो 20 किलोमीटर का रास्ता प्लस 10 किलोमीटर पांगी का, यहाँ पे 35 किलोमीटर का रास्ता किलर उतारता है। जो 6 राइडर्स अभी आए थे इंक्लूडिंग 2 लड़की राइडर्स के साथ में, वो लोग तो वापस हो चुके हैं जहाँ हमने बाइक छोड़ी है, वहाँ से हम लोग पैदल मुआयना करने आए हैं कि आगे जा पाएंगे या नहीं। देख दिया ठंड काफ़ी है, हेलमेट उतारने का मन नहीं कर रहा, खोपड़ी को ठंड नहीं लगती, बोल रहा मेरा खून गर्म है। पानी ना मिले ना आपको कभी भी, ये खाते रहिए पानी का, वो बनाती है। आई नो थोड़ा सा लिप्स और आपको थोड़ा कड़वा सा लगेगा, जैसे अभी एक बार के बाद में मेरे को लग रहा है, बट स्टिल जब आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता तो सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी है।
सीरियसली बहुत भूख लगी।